क्योंकि जो खाना हम खाते हैं और जो चीजें हर दिन यूज किया करते हैं उनमें से ज्यादातर सी रूट से मर्चेंट नेवी के जरिए ही हम तक आसानी से पहुंचा करती है। इसलिए किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मर्चेंट नेवी का बहुत बड़ा रोल है। इस इंडस्ट्री के बारे में भले ही ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री और इसमें वर्क करने वाले हीरोज ग्लोबल इकोनॉमी के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया करते हैं। ये प्रोफेशन डिसिप्लिन, हार्डवर्क, डेडिकेशन और वर्क एथिक्स का है। इसलिए आइए अब आगे जान लेते हैं कि मर्चेंट नेवी में किस तरह के डिपार्टमेंट्स और पोजीशंस हुआ करती हैं। मर्चेंट नेवी में ये 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। नंबर 1 डेक डिपार्टमेंट, नंबर 2 इंजन डिपार्टमेंट और नंबर 3 क्रू रेटिंग्स। और अगर पोजीशंस के अकॉर्डिंग देखें तो मर्चेंट नेवी में ये 3 तरह की पोजीशंस हुआ करती हैं। ऑफिसर्स रेटिंग्स और सपोर्ट सर्विसेज। ऑफिसर्स में डेक नेविगेशन ऑफिसर्स, इंजीनियरिंग ऑफिसर्स और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स शामिल होते हैं। रेटिंग्स में सपोर्ट स्टाफ आता है जो ऑफिसर्स को असिस्ट करता है और सपोर्ट सर्विसेज में कैटरिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज आती हैं। इनमें से सबसे पहले ऑफिसर्स की पोस्ट के बारे में हम जान लेते हैं। शिप्स ऑफिसर्स जनरली 2 डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, डेक और इंजीनियरिंग। इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपको ऑफिसर ट्रेनी के रूप में एनरोल होना होगा। दोनों ही डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर बनने के लिए एकेडमिक वर्क और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूरी होती है। एक डेक ऑफिसर को नेविगेशन ऑफिसर भी कहा जाता है और वो शिप मैनेजमेंट टीम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर होने के साथ एक्सपेंसिव वेसल्स और वैल्यूएबल कार्गो और पैसेंजर्स का इंचार्ज भी होता है। शिप की स्टीयरिंग, नेविगेशन कंट्रोल और कम्युनिकेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेक ऑफिसर की ही होती है, जो वाकई में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। डेक डिपार्टमेंट का रैंकिंग सिस्टम देखें तो ये कुछ ऐसा होता है। कैप्टन या मास्टर्स, चीफ ऑफिसर या मैट, सेकंड ऑफिसर या मैट, थर्ड ऑफिसर या मैट और डेक कैडेट। डेक ऑफिसर्स की ही तरह इंजीनियरिंग ऑफिसर्स भी होते हैं जो इंजन डिपार्टमेंट में अपॉइंट होते हैं। आइए इनके बारे में भी जानते हैं। एक इंजीनियर ऑफिसर के रूप में काम करते हुए आपको शिप के सभी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ऑपरेट और मेंटेन करना होगा। आपके पास इंजन मैनेजमेंट सिस्टम्स का चार्ज होगा और आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स को मॉनिटर करेंगे। इस डिपार्टमेंट की टॉप पोजीशन चीफ इंजीनियर की होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कौन से लेवल क्रॉस करने होंगे, यानी इंजन डिपार्टमेंट का रैंकिंग सिस्टम क्या है, आइए जानते हैं। चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर या फर्स्ट असिस्ट इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर या सेकंड असिस्ट इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर या थर्ड असिस्ट इंजीनियर और फिफ्थ इंजीनियर या इंजीनियर कैडेट। तो ये तो हुई इंजीनियरिंग ऑफिसर के बारे में जानकारी, लेकिन अभी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर पोस्ट के बारे में जानना भी बाकी है, इसलिए आइए जानते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स बोर्ड पर मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं और एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर डेक और इंजीनियरिंग ऑफिसर्स के साथ मिलकर के काम करता है। इसमें 2 तरह के ऑफिसर्स होते हैं, इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर यानी कि ETO और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। ETO इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑफिसर्स के बाद अब बात करते हैं रेटिंग्स की। GP रेटिंग्स यानी जनरल पर्पस रेटिंग हर डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को असिस्ट करते हैं। ये ऐसे स्किल्ड सी फेयरर्स होते हैं जो शिप के जरूरी टास्क को संभालते हैं। और अब जानते हैं सपोर्ट सर्विसेज के बारे में। सपोर्ट स्टाफ में कैटरिंग और हाउसकीपिंग जॉब्स आती हैं, क्रू और पैसेंजर्स को कैटरिंग सर्विसेज की वैरायटी प्रोवाइड करना कैटरिंग स्टाफ का काम होता है। इसमें चीफ कुक और ट्रेनी कुक की पोस्ट होती है और हाउसकीपिंग स्टाफ में हाउसकीपर्स, टीवर्स, क्लीनर्स, पोर्टर्स, लॉन्ड्री पर्सनल, कारपेंटर्स जैसी पोस्ट आती है। के साथ मर्चेंट नेवी पर बना ये वीडियो यहीं पर पूरा होता है। हमें उम्मीद है कि ये आपकी नॉलेज इंक्रीज करने में और करियर के लिए एक और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन प्रोवाइड कराने में जरूर से हेल्प कर पाया होगा।